दोस्तों जैसा इस शुगर चार्ट देख रहे हैं, इस पेशेंट का फास्टिंग ब्लड शुगर 58 आ रहा है, नाश्ते के बाद 270 आ रहा है, लंच के बाद 348 आ रहा है, खाली पे सारी शुगर देखो यहाँ पे 64, 74, 52 सारी लो आ रही हैं। तो ये बहुत ख़तरनाक है, खाली पेट कभी भी 90 से कम नहीं आना चाहिए, 90 से कम आना शुगर के लिए ख़तरनाक होता है। इसलिए अब पीछे देखा जाए तो यहाँ तो ठीक था, रिसेंटली पिछले एक महीने कम आने लगा। अब मैं मरीज से क्वेश्चन पूछता हूँ, क्या तकलीफ आ रही है आपको, बोलो क्या दिक्कत आ रही है। फास्टिंग में कम हो जाता है और आफ्टर डिनर में। आफ्टर डिनर कितना आ रहा है देखो, हाँ आफ्टर डिनर भी देखेंगे यहाँ पे, तो यहाँ इनका 58 आ रखा है, यहाँ आफ्टर डिनर 40 आ रखा है, तो ये भी ख़तरनाक है। आफ्टर डिनर कभी भी खाली 40 से कम नहीं होना चाहिए तुम्हारी एज के लिए, ठीक है। तो अब सवाल है कि आखिर इतना लोग क्यों हो रहा, फ्लक्चुएट क्यों कर रहा, तो खाली पेट इतना लोग क्यों हो रहा तुम्हारा पिछले एक महीने से क्यों? डिनर ढंग से नहीं हो रहा। आजकल आप डिनर कम खा पा रहे हो? हाँ जी। आप जब डिनर कम खा पा रहे हो क्यों, कारण क्यों कम खा पा रहे हो? तो जब आपने खाना कम कर दिया क्या इंसुलिन भी घटाया आपने? इंसुलिन तो गलती नंबर वन, और किसी वजह से आप खाना कम खाएं, आपको लगता है भूख नहीं लगी है, पेट ठीक नहीं रहा, आप खाना कम खा रहे हो तो अपनी इंसुलिन भी कम करें। अगर आप सपोज 50% खाना कम खा रहे हो तो कम से कम 30-40% इंसुलिन भी कम करो। या आपने देखा कि आपने इंसुलिन लगाया पूरा खाना शुगर आप खाली पेट आया आपका, आज से 3 अप्रैल को 64 आया, तो आपने इंसुलिन क्यों नहीं कम किया? गलत है। तो पहली गलती खाना कम खा रही हैं और इंसुलिन नहीं घटाया उन्होंने, पहली गलती करेक्ट। सेकंड गलती, रात को सोते समय कुछ खाकर सोते या नहीं सोते खा के? दूध के साथ दूध बिस्कुट। रोज खाते हो या कभी मिस भी करते हो? कभी कभी मिस हो जाता। तो दूसरी गलती प्लीज आप सब लोग अच्छी तरह समझ लें, आप जो इंसुलिन ले रही हैं मिक्सटार्ट ले रही हैं रात को ना, तो मिक्सटार्ट क्या होता है कि इसमें दो पार्ट होता है, 70% इंटरमीडिएट एक्टिंग होता है, 30% इमीडिएट एक्टिंग होता है। जब भी कोई भी इंसुलिन लें रात सोते समय बेड टाइम पे स्नैक मस्ट है, स्पेशली अगर आप खाना 9 बजे पहले खा रहे हो। तो रात खाना कितने बजे खाते हो? 9 बजे दवाई करके फिर उसके बाद। सोते कब हो? 11 बजे। फिर भी अधिकांश लोग को सोते समय बेड टाइम पे पौने ग्लास दूध या 4 बिस्किट या कोई फल लाइक छोटा केला या छोटा एक आम या छोटा अनार या छोटा अमरूद या 4 बिस्किट या 1 सवा ब्रेड या करीब 15-20 करीब बादाम काजू या मूंगफली दाना करीब 25-30 या फिर क्या नाम की ऐसे कोई चीज़ खा के सोना आपको मस्ट है। तो आप जिस दिन शुगर कुछ नहीं खाओगे उस दिन आप शुगर लो हो जाएगी। खाना का जरूरी है कि आप सब जान लो कि बॉडी के अंदर कुछ ऐसा मैकेनिज्म होता है कि 12 से 3 बीच में इंसुलिन रिक्वायरमेंट बहुत कम होती है। अगर बेड टाइम कुछ नहीं खाओगे तो हमने पहले बता रखा कि डायबिटीज वालों को हर 2.5-3 घंटे बाद खाना है, अगर नहीं खाओगे तो आपको 4 घंटे बाद 5 घंटे शुगर लो हो जाएगी, तो गलती है वो। थर्ड, अगर ऐसे में कुछ लोग जो भूख नहीं लगती है तो हम फिर कुछ इंसुलिन दूसरा चेंज करते हैं जो कि दो इमीडिएट शॉर्ट एक्टिंग हुआ हो और बेड टाइम से अलग कर देंगे आपको, दो अलग कर देंगे आपको। तो भूख क्यों नहीं लग रही है? अक्सर भूख कम होती स्ट्रेस की वजह से या इन्फेक्शन की वजह से या कोई और बीमारी की वजह से। मोस्ट लाइक किस क्लास में पढ़ते हो आप? किस क्लास में पढ़ाई करते हो? किस क्लास में? तो अभी स्टूडेंट हो, अभी एग्जाम टाइम में भूख मर जाती है, पढ़ाई प्रेशर, रिजल्ट प्रेशर, तो ये हो गया। तो अब तो ये बात हुई कि हमारी सेम वही, चूँकि आप डिनर कम कर रहे खाना, डिनर बाद शुगर कम आ रही है आपकी, तो आपको क्या करना चाहिए? जब भी डिनर के बाद ब्लड शुगर 140 से कम आए तो 1 यूनिट घटाएं आप।
प्लस बेड टाइम पे कुछ खा के एक्स्ट्रा खाएं फिर। जब भी खाली पेट शुगर सॉस कम आए तो रात की यूनिट एक यूनिट घटाएं। तो आई होप इससे वीडियो नॉलेज मिला कि कब घटाना है और कब बेड टाइम स्नैक मस्ट है। तीन स्नैक बहुत मस्ट है। ये तो आप खाना में ब्रेकफास्ट लंच डिनर खाओगे, बीच में नाश्ता और लंच के बीच में ढाई तीन मिनट कुछ खाना जरूरी है, नाश्ते के बाद लंच के तीन मिनट बाद कुछ खाना जरूरी है और बेड टाइम खाना जरूरी है, तीन चीज़ बहुत जरूरी है। तो इस वीडियो से नॉलेज मिला कि आपको कब कब खाना, किसे शुगर लो ना हो।